उत्तरकाशी में ग्यांसु खाद्यान्न गोदाम को सीज कर दिया गया है। दरअसल क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति अधिकारी ने खाद्यान्न वितरण में हो रही अनियमितताओं को देखते हुए यह फैसला लिया है, जिसे लेकर जिला अधिकारी अभिषेक सिंह रोहेला ने SDM भटवाड़ी चतुर सिंह चौहान के नेतृत्व में गोदाम की जाँच शुरू कर दी है। वहीं SDM ने कहा कि सील पर कोई मोहर नहीं लगी थी, सील केवल कपड़े से लपेट कर लगा हुआ धागा था और मोहर नहीं लगी थी, जिस पर पूछताछ चल रही है। जानकारी में होगा कि जो ग्यांसु का गोडाउन है खाद्य विभाग का, उसके लेकर के कुछ जो घटतौली की शिकायत थी, उसको लेकर के जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक कमेटी गठित की गई है, जिसके क्रम में आज हम इसमें जांच कर रहे हैं। और पूर्व में जो ARO के द्वारा सील किए गए थे गोदाम, वो भी सभी अधिकारियों की कमेटी की उपस्थिति में अभी खोल दिए गए हैं। बाकी इसमें जाँच की कार्रवाई अभी गतिमान चल रही है।